सेक्टर जिसमें जबरदस्त तेजी आज देखने को मिल रही है और वो है आईटी सेक्टर, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी। अब जिस तरह के स्टॉक्स पे आपका हाथ पड़ जाएगा आपको 4-5% के गेन्स मिलेंगे और ये एकदम विपरीत स्थिति है। अगर 2 हफ्ते पहले आपने बात की होती आईटी सेक्टर की जब नैसडैक कोलैप्स कर रहा था तो लोगों के मन में डर थी कि क्या और ज्यादा कंप्रेस होंगे वैल्यूएशन, और ज्यादा गिरेंगे आईटी स्टॉक्स, क्या ग्रोथ एकदम गायब सी हो गई है। हमारे साथ अशांक देसाई जी आज जुड़ रहे हैं, मैस्टेक जो एक बड़ी कंपनी है, वाइस चेयरमैन है ये मैस्टेक के, और आईटी सेक्टर पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर देसाई, आप तो बहुत बहुत पुराने दिग्गज हैं आईटी स्पेस के, आपने काफी साइकिल्स देखे हैं, हाई ग्रोथ लो ग्रोथ साइकिल्स। ये जो डर बना बाजार का कि क्या ये ग्रोथ आपके सेक्टर की चैलेंज हो जाएगी, क्या ये डर जस्टिफाइड था या आपको लगता है कि ये इतना जस्टिफाइड नहीं है और ग्रोथ पे कुछ खास इंपैक्ट होने वाला नहीं है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस डेवलपमेंट हेड है वो कॉन्स्टेंटली दे आर इन टच, वो तो कस्टमर के साथ बात उनकी चलती रहती है, मैं भी मिलता हूँ कभी कभी वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर्स को, तो हमने अभी तक तो ऐसे नहीं सुना है कि कोई बजट में कमी हो। हमारे कस्टमर तो आज हमें से पूछ रहे हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट आपको दिए हैं वो कब कंप्लीट होंगे, उससे फास्ट कर सकते हैं क्या, हमें और कुछ करना है तो आप रेडी है क्या, तो हमारे जो कंस्ट्रेंट है आज वो सप्लाई के हैं आज तक। और कल 2021-22 में जो बात हुई जिसमें सप्लाई कंस्ट्रेंट बहुत बड़ा था, तो वो कंस्ट्रेंट अभी भी है, तो मुझे तो डिमांड में अभी तक तो कुछ कमी नहीं नजर आई। बिल्कुल मिस्टर देसाई, ग्रोथ पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे क्योंकि कंसर्न्स वहां पर जरूर है। FY22 ग्रोथ की अगर बात करें 26% पर ये देखने को मिली है, स्ट्रीट कंसर्न्स जिस तरह से नजर आ रहे हैं, FY23 के लिए ग्रोथ पर आपका नजरिया क्या, हायर लेवल्स पर होगी या लोअर लेवल्स होंगे? तो अभी आप को पता होगा कि हम कोई गाइडेंस तो देते नहीं है ऐसे एग्जैक्ट ग्रोथ रेट के, मगर आपने मास्टेक को देखा होगा गए 3-4 बरस में हमारा ग्रोथ जनरली इंडस्ट्री से फास्ट हो रहा है और उसी मोमेंटम को हम जारी रखना चाहते हैं और जारी रख सकते हैं। ऐसे तो हमने अभी बोला है जब नया बरस शुरू हो गया फाइनेंशियल ईयर, तो वो कमिटमेंट अब भी है हमारी कि हम इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उससे फास्ट ग्रोथ करें। सर, एक और चीज आपसे पता करना चाहते हैं कि स्लो डाउन के कहीं सिग्नल, कोई साइन आपको तो नहीं दिख रहे हैं अभी? हाँ, मैंने जैसे बोला आपको कि जो मैं देख रहा हूँ ऐसे मैंने इंडस्ट्री लीडर्स से भी बहुत सारे सुना है आज तक तो, कि उन्होंने भी ऐसा देखा नहीं है। दिस इज द फर्स्ट अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर है, मगर फिर भी अभी तक तो सुना नहीं। दूसरी बात यह आ रही है कि आपकी इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा इशू था वो था वेज इन्फ्लेशन, क्योंकि टैलेंट को रिटेन करना काफी चैलेंजिंग हो गया था, अचानक डिमांड बढ़ गई थी, क्या वो आपको पीकिंग आउट साइन दिखा रहा है? कई कई केसेस में कंपनीज ने 1 साल में 3-3 सैलरी हाइक्स दी है अच्छे टैलेंट को रिटेन करने के लिए, कुछ कंपनीज टैलेंट डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करके रोकने की कोशिश कर रही है अच्छे टैलेंट को, क्या ये चैलेंज आपको किस तरह से अब कंट्रोल में आता हुआ नजर आ रहा है? अभी देखिए, आप कस्टमर की हैट वेयर करेंगे तो उनके पर जो प्रेशर है उनको आप देखेंगे। एक आज बात ऐसी है कि ग्लोबलाइज हुआ है बहुत सारा, सप्लाई चेन हो या प्रोडक्ट्स हो, तो कंपटीशन सबको है ग्लोबली, एक बात। दूसरी बात ऐसी है कि डिजिटल में इतने टेक्नोलॉजीज एक कंबाइन हो गए हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं, टेक्नोलॉजीज आती रही हैं गए 30-40 बरस में, मगर आज एक 5-6 टेक्नोलॉजीज टुगेदर कन्वर्ज हो गई है, जैसे AIML हो, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन हो, IoT हो, मेटावर्स हो, या इवन डिजिटल प्रिंटिंग हो, तो ये सब टेक्नोलॉजी में से एक नए जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है
वो अपॉर्चुनिटीज को आपने एक्सप्लॉइट किया नहीं तो आपके कंपटीटर्स एक्सप्लॉइट करेंगे। तो आपको जब तो मैस्टेक के मैनेजमेंट थे मिस्टर देसाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद करते हैं कि आपसे जब अगली और मुलाकात होगी और बेहतर तरीके से हम आपसे बातचीत कर पाएंगे।